नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको एक बार फिर से बता दें कि नेपाल में आज फिर भूकंप आया। नेपाल के साथ भारत और पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से शाम 4 बजे तक सरकार ने नेपाल के लिए आवाजाही रोक दी है। नेपाल जाने वाली तमाम फ्लाइट्स भी रुकी हुई है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी एक फ्लाइट में फंस गई है, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। धरती हिलती है तो दिल कैसे दहलता है वो सब अनुभव करते हैं, लेकिन जब धरती हिलती है तो सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आपको एहसास नहीं होगा और वो है आसमान। इत्तेफाक से, किस्मत से हम इस वक्त आसमान में हैं, कोशिश कर रहे हैं काठमांडू जाने की, लेकिन इस वजह से कि वहां पर और भी ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आया है, हमें अभी आगे जाने की इजाजत नहीं है। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि आगे जा सकें, वापस लौट कर न जाना पड़े, और हमसे ज्यादा उम्मीद कई लोगों के दिलों में है जो इस वक्त सफर कर रहे हैं। एक्चुअली मैं और मेरे कलीग, हम दोनों कर्नाटका से आए हैं। कई लोग फंसे हुए हैं कर्नाटका, तो हम लोग उनको, इनफैक्ट हम लोग फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू हम लोग आए थे। तो वी वॉन्टेड टू गो देयर एंड सर्च फॉर पीपल हु आर स्टिल मिसिंग। तो लेकिन अब किसी से कॉन्टैक्ट तो हो नहीं पाया होगा आपका अभी? नहीं, हम लोगों ने कुछ लोगों के नंबर्स मिले हैं, उनके पास लोकल नंबर हैं, तो उनके थ्रू कॉन्टैक्ट हुआ है कुछ लोगों से, बट स्टिल दे हैव टू कम बैक। कुछ लोग वापस आए हैं, जैसे कल रात को फ्लाइट से आए हैं। कुछ लोग जो पोखरा में और उसके नेपाल इंडिया बॉर्डर के नज़दीक में थे वो तो वापस आ गए हैं। कर्नाटक के करीब 90 लोग वापस आए हैं, बाकी लोग को हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोशिशें यही हो रही हैं, जैसे आपको सारी सीटें भरी हुई नहीं नज़र आएंगी इस फ्लाइट के भीतर भी, लेकिन वही लोग जा रहे हैं जिनका जाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। जी एक्चुअली मैडम, हम नेपाल जा रहे हैं, जो टोटल फैमिली मेरा काठमांडू में है। अभी तो हमारा फैमिली सब ठीक ठाक है। अभी क्या होता है, अभी तो प्लेन जा नहीं सक रहे हैं, क्लोज है एयरपोर्ट जैसा सुना था तो पायलट वाला, और तो ठीक ठीक अभी तो ठीक चल रहा है। अब क्या हो रहा है बाद में देखना पड़ेगा, अब भगवान भरोसा क्या कर। दूसरे अर्थक्वेक की बात सुन के थोड़ा डर लगा है? डर तो लग रहा है, बहुत लग रहा है मैडम, क्या करना है, लग रहा है। आप वहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं? जी मैं प्लान इंटरनेशनल से हूँ और मेरे कोलीग भी हैं मुरली, प्लान इंडिया से हैं, और हम जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए प्लान नेपाल टीम को इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस, एंड वी आर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस वर्कर्स। यानी अगर आप लोग इससे नहीं पहुंच पाए तो शायद सड़क के रास्ते जाने की कोशिश करेंगे, रोड से। We had a plan B as well to go by a road, but when we got to know that there's a flight which is now going to reach immediately to initiate our humanitarian operations to support our Plan Nepal colleagues and also the other families who have been very badly affected. This is one of the worst earthquakes that we have seen in 8 decades. I think we need to initiate humanitarian operations immediately. That's our first priority, and hopefully the flight will be landed very soon. In the nearest place, wherever, so that we can immediately take a road and go to the affected places. उम्मीद हम भी यही कर सकते हैं, क्योंकि जब खुले थे ऑपरेशंस यहाँ पर तो बहुत चेहरों पर राहत महसूस की गई थी। वो लोग जो अपने परिवार से दूर थे, जो जाना चाहते थे ये देखने के लिए कि वहाँ पर कितना कुछ वो कर सकते हैं, उनके परिवार वाले कैसे होंगे, लेकिन दूसरे भूकंप की खबर सुनते ही अचानक चिंता की वो लकीरें एक बार फिर उभर गई हैं। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ दिल्ली से काठमांडू के रास्ते में श्वेता सिंह आज तक। आपको बता दें कि भूकंप की वजह से काठमांडू एयरपोर्ट जो है उसे बंद कर दिया गया है, और 4 बजे से लेकिन बताया जा रहा है कि आवाजाही जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद होगी कि ये फ्लाइट भी टेक ऑफ होगी और वहां से आपको रिपोर्ट देंगे हमारे संवाददाता। इस वक्त आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर आज तक पहुंच चुका है और वहां की सीधी तस्वीरें देखिए। तो क्या बहुत भूकंप आएगा, तो भूकंप आएगा तो चानस में आएगा, तो इमेज ही आएगा, मुझे पता नहीं उसको जाने के आएगा। तो खसियो के खसेगा, कसरी खसियो टावर, टावर जाने पहला माथि टुप्पोको टावर गए हजुर को है, गए पीछे अं बीच को जाने, फिर दोहरिया आए भूपंग आए पे फिर जाने टाउ को जाने गजुर तल खसो, यो बीच को भाग ये खसो हजुर। इनका कहना है कि सबसे पहले शीर्ष गया, 9 मंजिला टावर में सबसे पहले शीर्ष गया, उसके बाद बीच का हिस्सा, फिर ये नीचे का, और चारों ओर इमारत का मलबा गिरा है। जब धक्का उधर का आया तो इमारत उधर की तरफ गिरी, और जब धक्का इधर का आया तो इधर की तरफ गिरी। अब तो सिर्फ ये अवशेष रह गए हैं जिन्हें जेसीबी से हटाया जा रहा है, और बीच बीच में लोगों के शव निकलते हैं। इस टावर की यादें और इसमें दब गए उन लोगों की यादें। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, सुनधारा, काठमांडू आज तक।
यहाँ आप लोग यही लोकल के हैं? यस सर, हम मीडिया से। हाँ लोकल, काठमांडू। काठमांडू से। तो यहाँ कोई ऐसा आदमी है आसपास जिसके परिवार के लोग अगर दब गए हैं? ये तस्वीरें आपको हम सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, काठमांडू से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। इस भारी तबाही के बीच राहत का काम जारी है, लोगों को बचाने का काम जारी है, क्योंकि उम्मीदें जारी हैं, जिंदगी जिंदा है और उसे बचाने की कोशिश लगातार जारी है। भारत सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जितनी भी मदद हो सकेगी भारत अपने मैत्री देश के लिए करेगा, अपने पड़ोसी देश के लिए वो करेगा। और लगातार इसी क्रम में ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इमारत वहां की। भूकंप के झटके आए और चले गए, लेकिन दहशत के झटके ऐसे हैं कि वो लगातार लगते जा रहे हैं। अभी भी इतने घंटे बीतने के बावजूद हर तीसरा आदमी यहाँ ये कहता मिल रहा है 12 बजे भूकंप आने वाला है, 2 बजे भूकंप आने वाला है, 4 बजे भूकंप आने वाला है। और जब भूकंप की दहशत हो तो झटके तो लगते ही हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ काठमांडू के लोगों से कि आप लोगों को अभी भी कितना डर रहता है कि भूकंप के झटके आ सकते हैं और फिर कांप सकता है सब कुछ। एक बार अगर आते, अगर आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं, उसके जो दहशत होती है वो महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि हर बार अगर आप चलते भी रास्ते में तो आपको लगता है कि ये धरती हिल रहा है और कहीं ये फटने वाला है, ऐसा लगता है। उस समय जब भूकंप आया तो उस समय क्या गड़गड़ाहट की आवाज भी आ रही थी? गड़गड़ाहट तो एक ऐसा गड़गड़ाहट कि आप पूछे मत, दिल दहल जाने वाला गड़गड़ाहट। और आदमी बेस इस कदर भाग रहे कि इसको कहाँ भागे, भागने का जगह नहीं है। बहुत परेशान आदमी, माने नफसी नफसी के आलम है। इस तरह तो हम लोग कभी जिंदगी में देखा नहीं है सर। नाम क्या आपका? प्रकाश गुप्ता। इतने घंटे इतना टाइम बीत चुका है, इसके बाद भी आप लोग को डर तो फैलाई हुआ है हम लोग के अंदर, क्योंकि हर एक डेढ़ घंटे दो तीन घंटे के अंतराल पर देख रहे हैं, मतलब हल्का सा कंपन हो ही रहा है। कल के जिस तरह कल 11:55 में भूकंप आया था, जो सबसे बड़ा भूकंप तो वही हुआ, लेकिन उसके बाद से हर एक तीन घंटे पे देख रहे हैं कंपन है ही है यहाँ पे। कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो यहाँ अपने बच्चों के साथ भी घूम रही थी। और अभी इतना टाइम हो गया, अभी भी आपको लगता है कि भूकंप आएगा, ऐसा डर है? डर नहीं, डर सके मन में डर सके भूकंप पहले आउन सता। आप लोगों को उसके पूछे ना, उसे हिंदी समझता है। ऐसा है सर जी, हम लोग को भूकंप से इतना मतलब परेशान हो गया है कि जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा फिर आएगा। बस इतना ही। घर में आप लोग रहते हैं तो घर में भी बारंबार होता है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में होते रहता है। शहर की गलियों, नुक्कड़ों और चौराहों पर हम निकले हैं और हमने देखा है कि लोग सड़कों पर ज्यादा हैं, घरों में कम। तो सड़क पर ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं? हाँ, सड़क पर ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं, इसलिए हम की रात को भी सोने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों को। यहाँ पर ऐसा तबाही आ रहा है तो लगता है कि हमको अब बाहर सोना पड़ेगा। घर में तो अपना फैमिली भी हमारा कहाँ है, अब हमको तकलीफ है ज्यादा। आपके घर के सारे लोग सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है, लेकिन वो हमसे मतलब दूर है, हम अकेले हैं। तो हम यहाँ पर रह रहा है दोस्तों के साथ, वहाँ वो टूरी खेल के मैदान में सो रहा है। इनकी मुश्किल और इनकी परेशानी, इनकी बेबसी और लाचारी समझी जा सकती है। घर वाले बहुत दूर, ये घर से बाहर, लेकिन घर से बाहर रहकर भी छत के नीचे नहीं सो पा रहे। दहशत इतनी ज्यादा है कि रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी होती है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, काठमांडू आज तक। जाहिर सी बात है कि कल जो आपदा आई, प्रकृति का जो प्रकोप देखने को मिला है, उसके बाद लोगों को कैसे नींद आएगी। ऐसे में आपको बता दें कि आज भी कई बार सुबह से ही झटके महसूस किए गए हैं काठमांडू में। इसको लेकर लोगों को आप देख सकते हैं कि अपने घरों के बाहर हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जो घर हैं वो उजड़ चुके हैं, कईयों के घर उजड़ चुके हैं। मलबे में इमारत जो है वो तब्दील हो गई है। उस मलबे से अपनों को निकालने की कोशिश, उस मलबे में ये उम्मीद कि शायद अपना कोई जिंदा। दिन बीत गया, रात बीत गई, लेकिन इसके बावजूद दहशत का आलम समझा जा सकता है। लोग सड़कों पर हैं,
घर खाली हैं, दुकानें बंद हैं, यानी बाजार बंद है, जरूरत की चीजें लोगों को बहुत कम मिल पा रही हैं और लोगों के चेहरे पर दहशत देखी जा सकती है कि अभी भी हर दो घंटे पर इनको लगता है कि भूकंप आएगा या आ रहा है। दहशत जब मन के अंदर हो तो उसे झटके लगते रहते हैं, वो दहशत के झटके होते हैं, भूकंप आए चाहे नहीं आए, लेकिन मन के अंदर दहशत जरूर होती है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुदर्शन गुप्ता है। जी, ऐसा है कि घर में खाना पका हुआ है लेकिन खाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि जा करके जल्दी हम खा कर चले आएं। जब जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आने लगता है, उसके बाद बाहर के बाहर हम लोग ऐसे चीज़ चाव चाव का कीन करके खा रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, कहीं परिवार है, कहीं और जगह है, कहीं हम हैं, एक तो लड़का है बड़ा वाला, वो भी अभी तक में पता नहीं चला कि साथी कहाँ है कि कहाँ पर है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लोगों के बाजार बंद है कल से ही लगा, बाजार बंद है, व्यापार बंद, सब कल कारखाना बंद, खाना पकाना पनि नपाउने, जम्मै बाहिर बाहिर जानु पर्ने जस्तो भइरहेको छ। बाजार बंद है, दहशत का बाजार खुला हुआ है और बाकी बाजार बंद हैं। हर के मन में एक दुकान खुली हुई है दहशत की, लेकिन जब वो सामान लेने जाते हैं तो पांव पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दुकान में जाते भी एक बार फिर झटका आएगा। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, काठमांडू आज तक। हालांकि लगातार अलग अलग देशों से राहत की बात कही गई है और जिस तरह के भी योगदान की जरूरत है, मदद की जरूरत है, ये कही गई है। ये सुंदरा रोड पर हम खड़े हैं और यहाँ ये बड़ा मैदान, यहाँ स्वामी रामदेव ने अपना कैंप लगाया था। इसी मैदान के दोनों तरफ जिस समय भूकंप आया लोग दहशत में थे और इसी मैदान के दोनों तरफ दो बड़ी बड़ी इमारतें गिरी। इधर ठीक मेरे दाहिनी तरफ यहाँ वो टावर था जो धरहरा का, वो धरधरा कर गिरा और दूसरी तरफ भी इमारतें गिरी। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये पुल है और पुल फुटओवर ब्रिज, ये ऐसे भी लोगों के आने जाने से भी हिलता है, लेकिन दहशत इस कदर है कि लोग कहते हैं भूकंप आ गया तभी ये पुल हिल रहा है। और इधर लोगों का कि हर दो घंटे पे ये शोर उठता है भूकंप आने वाला है या भूकंप आ गया है, लोग एक बार फिर सड़कों की ओर रुख कर लेते हैं, घर खाली कर देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। तो ये तो पुल है, ये तो हिलेगा लोगों के आने जाने से? हिलेगा। तो आपको बना है सर, आप अभी कह रहे थे ना आ रहा था चल गया है, भूकंप आ रहा था। अच्छा, एक घंटा बाद सर यहाँ भूकंप आ रहा है, कल से एक घंटा में दो दो बार भूकंप आ रहा है सर। एक सबसे पहले तो बड़ा हुआ, उसके बाद में छोटा छोटा कितने होते हैं। ये दूसरा दिन है जब दहशत के मारे लोग ना कहीं जा रहे हैं ना आ रहे हैं, वो इसी ग्राउंड में, जबकि रत्ना पार्क है, टूड़ी खेल पार्क है और ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर हजारों लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे हैं, हालांकि योग सुबह करते हैं लेकिन इसके बावजूद लोग अपने अपने घर जाने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि ये तो खुली जगह है, यहाँ अगर भूकंप दोबारा आया भी तो उनका बचाव हो जाएगा, लेकिन अगर वो अपने घर और इमारतों में गए तो पता नहीं वो बच पाएंगे या नहीं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ संजय शर्मा, कुड़ीखेल, काठमांडू आज तक। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर कैंप्स लगाए गए हैं और लोगों को राहत शिविर, एक तरह से उसमें लोग किसी तरह से रात गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन आंखों में नींद कहां, क्योंकि कईयों ने अपनों को खो दिया है इस भूकंप में। और अब भी डर इस बात का है कि पता नहीं कब भूकंप आ जाए, क्योंकि आपको बता दें कि कल जिस तरह से भयानक भूकंप के झटके काठमांडू में महसूस किए गए और उसके पास ही जो एपिसेंटर है वहां पर जिस तरह से भूकंप आया है, उसके बाद से लोग सड़कों पर हैं, बाहर रहने को मजबूर हैं। और उसके बाद आज भी लगातार सुबह से कई बार आफ्टर शॉक्स जिसे कहा जाता है वो महसूस किए गए हैं। आफ्टर शॉक्स भी इतने ज़्यादा रहे हैं, तीव्रता उसकी इतनी ज़्यादा रही है कि न सिर्फ नेपाल बल्कि बिहार भी धरती हिल रही है। और ये टाइम हो रहा है लगभग 1:15, अभी भी धरती हिली है और इतना जबरदस्त झटका आया है। ये तमाम लोग देखिए, ये योग शिविर में आए हैं लेकिन इन सब की हालत खराब है, इन सब को ये लग रहा है कि यहाँ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कंपन चल रहा है और ये इमारतें अभी फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ धुएं के बादल उड़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी फिर दहशत का माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ इस टेंट में लोग बैठे हैं, धरती अभी भी कांप रही है और पिछले लगभग एक मिनट से ये कंपन लगातार ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे पानी पर खड़े हैं। आप बताइए। बहुत डर लग रहा है, ऐसा हमारा घर भी गिर गया सब, बहुत डर लग रहा है, गांव जाने का मन कर रहा है अभी।
ये खड़े खड़े एकदम अचानक लगा कि आपका नाम क्या है? इसराफिल, मोहम्मद इसराफिल। तो आप कहाँ से आए हैं? रावटाड़ से। यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे आप सिर्फ इसलिए आए थे कि योग शिविर में रहना है? यही रहना है, यही काम करते कर रहे थे। यही काम कर रहे थे। ये अभी मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ भी लगातार ऐसा लग रहा है जैसे दलदली जमीन पर बैठे हैं और हिल रहा है पूरा सब कुछ। आपका नाम? मोहम्मद सिराज। आप भी यही काम करते हैं? जी, यही काम करते हैं। पिछले 1.5 मिनट से यहाँ बैठने के बावजूद कंपन लगातार चल रहा है और ऐसे में दहशत होना स्वाभाविक है। हर 2 घंटे पर लोग कहते हैं 2 बजे आएगा भूकंप, 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा और ये 1:15 बजने वाले हैं। अभी फिर यहाँ लगातार लगभग